मित्रों, आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और देश भर में फैले हुए करोड़ों भाजपा के शुभचिंतकों के लिए एक शुभ दिन है, क्योंकि आज ही मोदी जी के सदस्यता लेते ही हमारा 2024 का सदस्यता अभियान एक प्रकार से फिर से चालू होगा और वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा। जैसे नड्डा जी ने बताया, हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी तो है ही, मगर पूरे राजनीतिक दलों में एक प्रकार से अनूठी पार्टी, क्योंकि कोई राजनीतिक दल आज भारत के राजनीतिक मानचित्र में देखे तो 1500 से ज्यादा राजनीतिक दलों में कोई राजनीतिक दल लोकतांत्रिक तरीके से विश्वास के साथ, खुलेपन के साथ, सातत्यपूर्ण तरीके से हर 6 साल में अपनी सदस्यता अभियान को नहीं करता है। केवल और केवल हम अकेले ऐसी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जिसका हमें गौरव है कि हमने ये परंपरा को अक्षुण रखकर हमेशा के लिए आगे बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, आज सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता आज से लेकर सदस्यता अभियान के समारोह तक फिर से 10 सदस्यता लेंगे। कई सारे शुभेच्छक हमारे कार्यकर्ता बनेंगे, सदस्यता लेंगे और ये धीरे धीरे पार्टी में इस प्रकार से अपने आप को समाहित कर, ये पार्टी में कार्यकर्ता ये कोई महज सदस्यता का एक अंक नहीं है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता एक जीवंत इकाई है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता विचारधारा का वाहक है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता कार्य संस्कृति का पोषक है और हमारे कार्यकर्ता सरकार और संगठन के बीच में कड़ी का भी काम करते हैं, जो सरकार को हमेशा जनता के साथ जोड़ कर रखता है। मित्रों, कार्यकर्ताओं के इस जनता के जुड़ाव के कारण ही सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण का सपना हमने चरितार्थ करना है। 1950 से जो हमारा कारवा चला है, हम बहुत छोटी इकाई थे, वहां से लेकर राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बने तब तक हर चुनाव में हमने भारत माता की जय के जयकारे के साथ हमारे विरोधियों को हमेशा हमेशा ललकारा है। और ये जो हमारा उत्साह है, ये उत्साह एक जीवंत संगठन से आता है। जब सदस्यता अभियान शुरू होता है तब यहां पर यही हॉल में एक कार्यशाला हुई थी। उस वक्त मैंने कहा था कि हमारा सदस्यता अभियान सर्वस्पर्शीय और सर्वसमावेशक होना चाहिए। सर्वस्पर्शीय से हर एक बूथ के अंदर, कोई बूथ कहीं पर भी देश के पहाड़ पर हो, जंगलों में हो, द्वीपों में हो, कोई बूथ अछूता नहीं रहना चाहिए। और सर्वसमावेशक से हमारा मतलब है हर एज, हर ग्रुप, हर जाति, हर हर मजहब, हर एक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में समावेश करने के लिए ये हमारा सदस्यता अभियान आगे बढ़ना चाहिए। पूरा कार्य योजना बना है, नड्डा जी ने बनाया है और मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि इस बार भी 14 की भांति हम 10 करोड़ की सदस्यता के लक्ष्य को देखते देखते पार करेंगे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से एक विचारधारा को लेकर चली। हमारी विचारधारा के आधार पर राजनीति में हमने काम करना शुरू किया, कई सालों तक संघर्ष करा और बाद में हमने कई हार झेली, कई पराजय झेले, कई प्रचंड पराजय झेले और विजय को भी देखा है, मगर हमने हमारा काम हर नीस चालू रखा है। विगत 10 साल के अंदर श्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने 60 करोड़ गरीबों को घर, बिजली, शौचालय, राशन, गैस और 5 लाख तक का आरोग्य की सभी सुविधाएं दी हैं।
ग्रामीण विकास हो, शहरी विकास हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, डिजिटलाइजेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना हो, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को मजबूत करना हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या शिक्षा में नई शिक्षा नीति लानी हो, हर क्षेत्र में इस 10 साल में देश ने नई ऊंचाइयों को हासिल कर आज विश्व में अपना स्थान बनाया है। ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का विषय। और आज 10 साल में जिनके नेतृत्व में और जिनकी रहनुमाई में हमने सारे लक्ष्य हासिल किए, हमारे कई सारे देश के लंबित मुद्दे, चाहे राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाना हो, धारा 370 को समाप्त करना हो, यूसीसी का आगाज करना हो, ट्रिपल तलाक को समाप्त करना हो, या काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बनाना हो, ये सारा काम भी मोदी जी के नेतृत्व में ही 10 साल में पूरा हुआ है। मैं भी गुजरात से आता हूँ, आज देश भर के कार्यकर्ता सुन रहे हैं। मेरा एक अनुभव, मोदी जी का संगठन के प्रति दृष्टि और संगठन के प्रति विश्वास कैसा होता है बताना चाहता हूँ। मित्रों, पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में कार्यकर्ता को इंस्टीट्यूशन बनाना का काम और सदस्यता को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम, संस्थागत करने का काम अगर किसी एक व्यक्ति ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी। लेट 80 के दशक में मोदी जी संगठन मंत्री बने गुजरात के। हमारी पर्चियां तो पहले ही भी कटती थी और ढेरों कार्यालय में पड़ी रहती थी, कभी इसके रजिस्टर नहीं होते थे। मैं उस अभियान का हिस्सा था, मैं सह इंचार्ज था, आनंदीबेन हमारी इंचार्ज थी। मुझे आज भी याद है कि मोदी जी ने दिन रात अहर से नीस 45 दिन पूरी रात गाड़ी में ट्रैवल करते हुए सदस्यता अभियान को इंस्टीट्यूशनलाइज करा। न केवल हर सदस्य का डाटा रजिस्टर में रजिस्टर हुआ, इसका कंप्यूटराइजेशन हुआ, कितने किसान हैं, कितने युवा हैं, कितने ग्रेजुएट हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने ग्रामीण हैं, कितना शहरी है, और एक सुंदर संगठन का दृश्य बनाया और उसमें से गुजरात का संगठन नया बना। मित्रों, हम सब के लिए ये संगठन के अंदर जान डालने का काम हम सब का बनता है। आज यहाँ पर आए हैं हम सब, तब हमारी सदस्यता का लक्ष्यांक नड्डा जी ने हमारे सामने रखा है और सदस्यता अभियान को पूर्ण कर संगठन पर्व होगा, नया संगठन बनेगा और फिर एक बार भारत विजय, भाजपा विजय का अभियान यहीं से शुरू होगा। भाई और बहनों, मोदी जी ने हम सब के सामने महान भारत की एक कल्पना रखी, विकसित भारत की एक कल्पना रखी है। एक ऐसा भारत जो जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी तब विश्व में हर क्षेत्र में पूरे विश्व में सर्वप्रथम हो, ऐसे भारत की रचना का स्वप्न हम सब के सामने है और वो स्वप्न की सिद्धि का मार्ग भाजपा कार्यालय से हम सब के लिए जाता है और इसके लिए ही ये सदस्यता अभियान है। आइए हम सब मिलकर मोदी जी और नड्डा जी के नेतृत्व में हर गली गली, हर घर घर, गांव में, शहर में, पहाड़ों में, जंगलों में, द्वीपों में, हर जगह जाकर भाजपा का परिवार का विस्तार करें, पार्टी में फिर से एक बार नया खून लाएं और वो नए आए हुए लोगों को भी पार्टी की कार्य संस्कृति से परिचित कराएं। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता इस अभियान को सफल बनाएंगे और मोदी जी का जो महान भारत और विकसित भारत का स्वप्न है उसको हम संगठन के माध्यम से ही चरितार्थ करेंगे, इसका मुझे विश्वास है। आज मैं नड्डा जी, प्रधानमंत्री जी और देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।